तो यहाँ पे चौकी भी, खटिया, यहाँ पे बिस्तर भी लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे पानी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड सो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। एंड सो गाइस, तो आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। लेकिन अभी हम मस्त नहीं है क्योंकि हमारे गाँव आ चुकी है बाढ़। और गाइस, अभी देख सकते हैं मैं अपने घर पर हूँ, अभी घर से मैं अपनी ब्लॉगिंग शूट कर रहा हूँ और यहीं से स्टार्ट करता हूँ अभी। और मेरे गांव में बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है यार, लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही थी ना, 2 दिनों से, मतलब मान सकते हो 24 घंटे बारिश होने के बाद भी जाके बाढ़ आ चुकी है मेरे गांव में, और पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सभी लोग अपने अपने सामान को ऊपर को रख रहे हैं, जो भी नीचे सामान है। अभी तो मैं अपने घर पर हूँ, ये मेरा घर है, अभी मैं चलता हूँ अपने गाँव में, दिखाता हूँ आपको कि क्या लोग कर रहे हैं अपने सामान को कैसे कैसे, और पानी कितनी तेज़ी से आ रहा है गाँव में, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिए और चलते हैं हम अपने। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो यार गाइज, अभी मैं अपने घर से थोड़ी दूर अपने गांव में ही खड़ा हूँ, अभी घर से थोड़ी दूरी पे। और यहाँ पे देखते देखते पानी काफ़ी तेज़ बढ़ रहा है और सभी घरों में पानी अब जाने लगा है और गांव के अंदर जाने लगा है पानी। और यहाँ पे देख सकते हो कितनी तेज़ से पानी बढ़ रहा है और काफ़ी लोग हैरान हैं, परेशान हैं इस बाढ़ को लेकर करके। और गाइज, अभी अभी अपने सभी सामानों को, खाने पीने वाली चीज़ों को, सभी लोग अपने अपने सुरक्षित जगह पर रख रहे हैं ताकि पानी से बचा सके। और गाइस, यहाँ पे देख सकते हो सभी लोग हैरान परेशान हैं और यहाँ पे पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और देखते देखते गांव में भी पानी घुस चुका है यहाँ पे। और ये पानी कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, किसी को पता नहीं है। सो गाइस, तो आज की वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। सो गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, यहाँ देख सकते हो हम लोग पानी में, यहाँ पे इतना इतना पानी है। और गाइस, जो भी पानी में चल रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे देख सकते हो घर में पानी आ चुका है यहाँ। घूम गया यार। सो गाइस, यहाँ आप देखिए घरों में पानी आ चुका है यहाँ पे, और जानवर कैसे भी खड़े हैं पानी में। तो गाइस, यहाँ देख सकते हो घर में पानी जा चुका है यहाँ पे, बट यहाँ से घर में से सामान निकाल करके दूसरे घरों में लेके जा चुका है यहाँ पे। रोड़े चल रोड़े पर। और गांव के अंदर ही पानी जा ही रहा है, बहुत तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। धान से डूब गए किसान, रुक जा, प्रतिनो वीडियो बढ़ी ना, और रुक जा, किसान कैसे धान डूब गए इनका दिख नहीं रहा है। सो गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो यार, यहाँ पड़ोस में यार धान बोया गया था, अब धान ये कटने वाला था, बट यहाँ पे ना पानी की वजह से पूरा धान डूब चुका है और ये धान होने वाला नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो घरों में कितनी तेज़ पानी चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चौकी भी, खटिया, यहाँ पे बिस्तर भी लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे पानी है। तो जैसा कि आज मैं बता दूं आपको भी, पानी का कोई ठिकाना नहीं है, कितना तेज़ पानी आ सकता है और कितनी तेज़ बढ़ सकता है पानी। और गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कितनी तेज़ी से चल रहा है पानी। तो लगातार बारिश की वजह से यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है यहाँ पे गांव में मेरे। आज फिलहाल मैं अपने गांव में ही हूँ और अभी मैं 2-3 दिन अपने गाँव से बाहर नहीं जा सकता।
कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पानी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें बाढ़ आ चुकी है और इसमें बारिश भी हो रहा है इतनी तेज़ी से देख रहे हो आप। और बारिश की वजह से और भी पानी बढ़ने की संभावना है यहाँ पे। और यहाँ पे पानी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें बारिश भी हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हो धारा कितनी तेज़ चल रही है, गाँव में कितनी तेज़ी से पानी चल रहा है यहाँ पे। और मैं यहाँ छिपके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको कैमरा बैक करके कैमरा फ्रंट में। और यहाँ पे देख सकते हो आप, और ये आंधी में पेड़ वेड़ गिर चुके हैं यहाँ पे तारों पे, तो इसलिए गांव में लाइट नहीं आ रही है। हो सकता है गाइस मैं यहाँ पे दो दिन या तीन दिन गैप करके यहाँ पे वीडियो डाल पाऊँ, क्योंकि लाइट की वजह से तो फ़ोन डाउन ही है, फ़ोन चार्ज नहीं कर पाऊँगा। तो गाइस वीडियो के लिए सॉरी। और गाइस यहाँ पे वीडियो में एंड तक बने रही, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और भी चीज़ें, बट यहाँ पे बारिश हो रही है ना तो मैं यहाँ पे बाहर नहीं निकल सकता अभी। और यहाँ पे देख सकते हो फसलों की अभी वीडियो जूम करता हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हो गाइस पानी कितनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पे। सो गाइस तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बारिश की वजह से हम लोग इसमें छुपे हुए थे अंदर को, अभी बारिश हो गई बंद, बट फिर भी धीरे धीरे हो रही है बारिश यहाँ पे देख सकते हो। अब चलते हैं अपने घर को। सो गाइज तो फाइनली आप देख सकते हो अब मैं वीडियो के एंड करने वाला हूँ। और गाइज मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरे गांव में अभी बाढ़ आ चुकी है और बाढ़ काफ़ी तेज़ से पानी बढ़ रही है और पानी अभी भी बढ़ ही रहा है। और आप यहाँ बैकग्राउंड में मेरे देख सकते हो यहाँ पे कैसे घरों में पानी जा चुका है यहाँ पे। और कैमरा बैक करके मैं दिखा दूँगा आपको, यहाँ देख सकते हो गाइज घर में पानी घुस चुका है यहाँ पे। सो गाइज मैं छत पे खड़ा हूँ यहाँ पे, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो चूल्हे उल्हे मतलब जहाँ पे खाना पानी बनता है हर चीज़ में यहाँ पे पानी ही पानी हो चुका है, घर के अंदर भी पानी है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप कि गाइस मतलब यहाँ पे हर चीज़ों को कैसे यहाँ पर रखा गया है, सभी चीज़ों की ऊंचाई पर के और हर चीज़ सुरक्षित रखा गया है यहाँ पे। और गाइस आज की वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ और अभी मैं कैमरा पैक करके दिखाऊँगा आपको। सो गाइस तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।